यहाँ पे देखा कि बहुत सारा काफी भीड़ है। आई थिंक कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ टिकट फ्री किया हुआ है, सो काफी सारी भीड़ है। हम लोग अभी सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं, ऐसा माहौल है। लेकिन अब देख रहे हैं पीछे बहुत सारी लाइन लगी हुई है। उस मनाया जा रहा है 3 दिन का। हाँ, 3 दिन का। जी जी, 3 दिन का कुछ उत्सव मनाया जा रहा है ऐसा सुना है। 4 दिन पहले आए, अभी सडनली प्लान किया था यहाँ पे आने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। लेकिन देखने से मालूम पड़ रहा है कि काफी सारी यहाँ पे भीड़ है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। कुछ बताया जा रहा है कि 2-3 दिन के लिए फ्री टिकट बताया जा रहा है, तो अब देखना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ में नहीं देख पा रहे हैं, भीड़ कुछ ज्यादा ही है। बहुत अच्छा है ताजमहल, बहुत अच्छा। देख पाए नहीं, अभी तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं। देखिए बहुत बहुत ज्यादा है, देखिए आप देख ही रहे हैं क्राउड क्या है। पता था कि आज फ्री होगा 2 बजे? ना, बिल्कुल भी नहीं पता होता तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं आते। हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानी का सामना कर रहा है, लेकिन क्या आनंद तो आ ही रहा है। वही कि इतना फ्री होने की वजह से इतनी भीड़ हो गई है, हम फैमिली के साथ आए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई, इतने देर से खड़े हुए हैं और एंट्री नहीं हो पा रही है। 2 बजे बाद फ्री कर दिया गया था। हाँ, फ्री कर दिया गया, इस वजह से इतना अनएक्सपेक्टेड भीड़ हो गई है। इस वजह से क्या करेंगे आप लोग? देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं या फिर वापस जाएंगे। आज हमारे जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें गुसल की रस्म अदाई की गई है और 2 बजे से ताजमहल को मुफ्त कर दिया गया सभी पर्यटकों के लिए, देसी विदेशी सब ने। और आज इतनी भीड़ है कि ताजमहल में पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि मुफ्त हो गया इसलिए लोगों ने उसका आनंद उठाया और पर्यटकों ने भी इसका आनंद उठाया और कुछ फायदा हुआ पर्यटकों का। और उसके बाद मुख्य प्रोग्राम तो जो है वो 1 मार्च को होगा, जो सारा दिन ताजमहल फ्री रहेगा। उसके अंदर हजारों मीटर लंबी चादर चढ़ाई जाएगी, उस दिन ताजमहल के अंदर खबारी होंगी, बशारा होगा, उसको कुल शरीफ बोलते हैं। चादर पोशी होगी, पंखा पोशी होगी, फूल पोशी होगी, गुल पोशी होगी, मिलाद होगा और सारी रस्में जो लास्ट वाले दिन चढ़ाई जाएगी, जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी सतरंगी कपड़े की चादर चढ़ाई जाएगी। ये नियर अबाउट 367वां उर्स कन्फर्म है, 367वां उर्स है।